गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुलता किचन एंड फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हो आप सभी? मैं ठीक हूँ, मेरा आदि भी ठीक है। आई होप आप सभी भी ठीक ही होंगे, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे थोड़ी सी बुखार है, उसके साथ थोड़ी सी ठंडी भी है। आपको दिखाई दे रहा होगा मेरी आँख कैसा कैसा है, और मेरा आवाज़ भी थोड़ी कैसा आपको लग रहा होगा, लेकिन कुछ बात नहीं है। मैं दवाई खा रहा हूँ तो कम हो जाएगा। मेरी हस्बैंड का भी तबीयत ख़राब है, लेकिन वो भी दवाई खा रहे हैं तो कम हो जाएंगे, कुछ टेंशन की बात नहीं है। तो आज है बुधवार, अभी टाइम जैसे कि मैंने बताया इवनिंग के टाइम है। तो आज मैं जो मसूर दाल है ना, उसका मैं पकौड़ी बनाऊँगी। बड़ा टेस्ट लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अब कौन सा का चटनी के साथ खाऊंगी ना तो भी अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ मैं आज टमाटो का चटनी भी बनाऊंगी। ओके, वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि वीडियो को आप एंड तक नहीं देखोगे ना तो बीच में छोड़ दोगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, फिर आपको पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं मसूर दाल में का पकौड़ी मैं कैसे बनाती हूँ, और उसके लिए क्या क्या ज़रूरत होता है भी मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए देखते मसूर दाल का पकौड़ी मैं कैसे बनाती हूँ। दाल का पकौड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैं मसूर दाल को भिगा के रख दिया था 2 घंटे के लिए। आप देख सकते हो कितना अच्छी तरह ये भीग चुका है। आप उसको ऐसे तोड़ोगे ना, ये आसानी से तोड़ जा रहा है। अभी इसका मैं पेस्ट बनाऊँगी, तो पहले इसका पेस्ट बना लेती हूँ, उसके बाद उसका पकौड़ी मैं बनाऊंगी। और तो उसमें क्या क्या डालूंगी तो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले इसका पेस्ट बना लेते हैं। इसका पेस्ट बनाने के टाइम आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसका पेस्ट ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा करके उसका पेस्ट बनाना है। आप देखते जाइए मैं कैसे इसका पेस्ट बना रही हूँ। बस थोड़ी सी मसूर दाल मैंने 3-4 बार उसको अच्छी तरह साफ कर लिया था, तो ये पानी में थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मसूर दाल है उसका पेस्ट, ये देखिए। अभी इसको मैं एक बर्तन में लेती हूँ, ज़्यादा गाढ़ा नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं है। इसी तरह मैं उसका पेस्ट पूरा बना लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सारा पेस्ट कर लिया है। अभी इसको एक साइड कर देती हूँ, पहले टमाटर का चटनी बना लेती हूँ, उसके बाद इसका पकौड़ी मैं बनाऊँगी। टमाटर का चटनी बना के लिए मैंने यहाँ पर गैस को पहले ऑन किया है, उसके साथ मैंने यहाँ पर एक पैन बनाया। आपको मेरी आवाज़ आ रहा होगा कि पता नहीं, लेकिन थोड़ा मैनेज करना है ना। मैं थोड़ी आस्ते आस्ते थोड़ी मतलब थोड़ी थोड़ी बात कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा तकलीफ हो रहा है मुझे इसकी वजह से। और मैं पैन को अच्छी तरह गर्म होने के लिए छोड़ूंगी। पैन जैसे ही गर्म होगा, इसमें मैं 1 चम्मच से कम
बिल्कुल थोड़ा सा, इसी बात को ध्यान देखना, पूरा थोड़ा सा तेल आपको ऐड करना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। मैं यहाँ पे एक चम्मच ही तेल ऐड कर रही हूँ, उसके ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि हमको चटनी बनाना है। उससे ज़्यादा आप देते हो ना तो चटनी का जो टेस्ट है ना तो अच्छा नहीं लगता है, तो उसकी वजह से आप देख रहे होगी। बस थोड़ा सा ही, थोड़ा मतलब एक चम्मच ही दिया है मैंने, उसके साथ एक चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा दे रही हूँ। उसके साथ मैंने यहाँ पर जो चना दाल है ना उसको एक चम्मच ही मैंने दिया है, उसके साथ ही उसको दे दूँगी। उसको थोड़ी देर से भून लूँगी ताकि जीरा का जो अच्छी तरह हो जाए जीरा और चना दाल। इसके साथ मैं कुछ हरी मिर्च लिया है, ज़्यादा तीखा आपको पसंद है ना तो ज़्यादा तीखा भी आप कर सकते हो, लेकिन चटनी में ज़्यादा तीखा भी अच्छा लगता है, इसके वजह से मैं थोड़ी ज़्यादा तीखा लिया है। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम भी ऐड कर सकते हो। इसके साथ मैंने यहाँ पे एक बेसन का लिया है, इसके साथ भूनूंगी, ज़्यादा से तो भूनने की जरूरत नहीं है। बड़ी साइज का टमाटर उसको दे देंगे। थोड़ी सी यहाँ पर धनिया पत्ता डाल दूंगी, अगर आपको धनिया पत्ता पसंद नहीं है तो आप फिर टमाटर और प्याज से भी बना सकते हो, लेकिन प्याज थोड़ा सूख गया था तो मुझे इसको भी फेंकूंगा, तो इसके साथ मैंने ऐड कर दिया है। ज़्यादा देर तक पता नहीं कुछ जरूरत नहीं है। अभी इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद इसका पेस्ट बनाऊंगी। गर्म रहने के टाइम में बिल्कुल भी पेस्ट नहीं बनाना है, यदि आप गर्म के टाइम बनाते हो ना तो जो मिक्सर है ख़राब हो सकता है, इसकी वजह से इसको पूरा ठंडा होने के बाद मैं इसका पेस्ट बनाऊँगी। तब तक पहले जो मसूर के दाल में पेस्ट है मैं डालती हूँ वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, यानी देखा देती हूँ मैं आपको। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो मसूर की दाल पेस्ट करके रखा था उसमें मैं प्याज डालूंगी, पहले पूरा चॉप करके मैंने कटाई, हरी मिर्च उसके साथ लहसुन उसके साथ थोड़ी सी धनिया का पत्ता, अगर आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा ऐड कर सकते हो, मेरे पास नहीं था थोड़ी सी मैंने ऐड किया है। उसके साथ मैंने नमक ऐड करूँगी, नमक के हिसाब से देख के आते हैं। उसके साथ थोड़ी सी हल्दी पाउडर, बट इसमें और कुछ भी मैंने नहीं डाला है, ये सब को अच्छी तरह से नहीं डालूंगी।
इसलिए मैं बेसन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। देखा मैंने उसमें बेसन ऐड कर दिया है, मुझे इतना ही चाहिए। इसे छोटा छोटा डालोगे ना तो बहुत अच्छा होता है। तो चलिए उसको पहले फ्राई कर लेते हैं, फिर मैं हाथ साफ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने तेल बैठा दिया है, अभी तेल को मैं गर्म होने के लिए छोड़ूंगी। देख सकते हो तेल जब तक गर्म होता है ना, तेल गर्म नहीं हुआ है अब तक, तो तेल जब तक गर्म होता है ना तब तक जो टमाटर का मैंने चटनी बनाने वाली हूँ वो ठंडी हो चुका है, उसका पेस्ट मैं बना लेती हूँ। इसमें नमक डालना भूल गई, अब मेरी तरह गलती मत करना, नमक डालना है इसमें थोड़ी सी। देख सकते हैं मेरी जो टमाटर का चटनी बन के पूरा रेडी है। यहाँ पे तेल भी गर्म हो चुका है, अभी इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो बैटर करके रखा था उसको दे दूँगी। अगर आप टेस्ट भी चाहिए या फिर आपको नरम पीना चाहिए तो आप उसमें बेकिंग पाउडर है वो भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने वो सब कुछ भी ऐड नहीं किया है।
अगर आपको मसूर दाल का नहीं खाना होगा ना तो एक बार जरूर बना के खाना। मैंने पहले इतना ही डाला है और बाद में वो डालूंगी। ये होने के बाद अगर आपने नहीं खाया ना तो जरूर ये मसूर दाल का पकौड़ी बना के खाना। और आप अपने मेरे साथ जरूर खाना, मतलब शेयर करना। अगर नहीं खाया होगा ना तो जरूर एक बार बना के खाना। आपको गारंटी है आप उसका पूरा फैन हो जाओगे। तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी होता है। जैसे प्याज का पकौड़ा आप लोग खाते हो ना सेम इसी तरह, लेकिन उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। यहाँ पे गैस को मैंने मध्यम पे नहीं रखा है, पूरा हाई पे नहीं रखा है मैंने। टमाटर का यहाँ पर आप देख सकते हो ये हो चुका है। अभी मैं इसको निकाल लूँगी। सकते मेरी जो मसूर दाल का पकड़ी पूरा बन के रेडी है। उसके साथ ये चटनी, चटनी के साथ खाओ ना तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये आप देख सकते ये गर्म है। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखा सकती हूँ। ये देखिए अंदर से कितना अच्छी तरह पक चुका है। जो बाकी मैंने रखा था उसको भी मैं सेम प्रोसेस में कर लूँगी। आपको देखा दे रहा होगा थोड़ा ठंडी है, दवाई खा रहा हूँ, कुछ टेंशन के बात नहीं है।
इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ। तो आई होप ये बारा ब्लॉग सबको अच्छा लगेगा, जरूर एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, पास में जो बेल बटन है उसको भी क्लिक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फ्यूचर में जो वीडियो नया आएगा आप उसको मिस ना कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ठंडी था मुझे, लेकिन थोड़ा अभी कम हो रहा है। उससे भी ज़्यादा मेरे हस्बैंड को है, उनका भी तबीयत बहुत ख़राब है, इसकी वजह से दो दिन से मैंने कुछ भी ब्लॉग्स नहीं बना पाई थी। कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था बनाने के लिए, तो इसकी वजह से कुछ भी नहीं बना पाई थी। तो प्लीज़ एक बार लाइक कर देना, मुझे सपोर्ट करते रहना, ताकि मैं और आगे जा पाऊँ और नया नया ब्लॉग्स आप लोग के साथ लेके आ पाऊँ। आज के वीडियो में यहीं पर रखूँगी, आपके साथ कल मिलूँगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।